अगर पब्लिक की बात करना, लोगों के मसलों को हाईलाइट करना गुंडागर्जी है, बदतमीजी है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने चुना ही इसीलिए है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ, मेरे सरपंच को, मेरे पंच को, इसीलिए हमारी सील्स हैं, ये हमारी सील्स हैं, हम ये हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी ये इश्यूज को एड्रेस नहीं करती है, हमें परमानेंट जेईज वगैरह नहीं मिलता है, हमारे ब्लॉक को, हमारा बीडीओ ऑफिस में यहाँ पे बीडीओ नहीं मिलता है, एड्रेस नहीं किया जाता है, तो हम सीधा रिजाइन करेंगे। लोग भी हमसे ये अनसरेबल हैं, हम इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड तो नहीं है, इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं, तो लोग हमसे ये जवाब मांग रहे हैं कि हमारे काम अभी तक है ना, ये तहसील के लिए, तहसील करालपुरा के लिए हमने बनाए और पंचायतों से हमने पैसे दिए, इसको दो बार पैसे दिए, दो बार इन्होंने लैपस किए इस पे, इसको हमने ऊपर खतमबंद के लिए भी पैसे दिए, शीशे अभी तक इसको कंप्लीट नहीं हो गए, ये जो खिड़कियां ऐसी है, आप पीछे से अगर भी देखोगे ना, इसकी पलंत एरिया देखोगे, वो भी जमीन के नीचे इन्होंने बनाया इंजीनियरों ने, ये हालत है यहाँ करालपुरा की, कोई देखने वाला यहाँ पे नहीं। वादी कश्मीर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम कश्मीर के सड़कों पर प्रोटेस्टर्स या पेन डाउन स्ट्राइक्स नहीं देखते हैं। मैं इस वक्त कुपवाड़ा के करालपुरा इलाके के बीडीओ ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर पीआरआईज पिछले दो दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। इशू सिर्फ इतना है कि यहाँ पर परमानेंट एक तो बीडीओ नहीं है, दूसरा यहाँ पर कोई जेई भी नहीं है, तो जितने भी डेवलपमेंटल काम है, आप जानते हैं आरडीडी डिपार्टमेंट जो है वो कश्मीर में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है, यहाँ पर अगर स्टाफ नहीं होगा, यहाँ पर अगर अफसरान नहीं होंगे, तो काम कैसे मुमकिन हो पाएगा। इनका ये मानना है कि अगर यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ, जेईज या ऑफिसर बीडीओ जो जिसको हम कहते हैं, वो अगर नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। मेरे साथ इस वक्त बीडीसी करालपुरा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बीडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बताइए कि आप पेन डाउन स्ट्राइक पे क्यों हैं, क्या इश्यूज हैं? हमारे जो मेन इशू हमारा है, जो हमारा बीडीओ साहब है, करालपुरा में तकरीबन 20 पंचायत है, पिछले एक साल से हमारे पास परमानेंट बीडीओ नहीं है। बिल्कुल, आज जो बीडीओ साहब हमारे पास है, उसको बीडीओ सगा में एक्स्ट्रा है वो, और दूसरी जगह उसको डीपीओ कुपवाड़ा भी रखा है इस टाइम, और एडिशनल चार्ज उसको करालपुरा दिए गए। सुगाम से उसको आने जाने में 80 किलोमीटर लगते हैं, हफ्ते में या एक दिन आता है यहाँ पे या दो दिन। आज की डेट में क्या करते हैं ना, हमारी पहले जो केस थे यहाँ पे पीएमएवाई में केस थे, वो खुद हर जगह साइट पे गए, तो अच्छा हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो कहाँ पे जाए, साइट पे जाए या कुछ जाए, लेकिन आज की डेट में जो हमें मनरेगा प्लान जो दिया है पंचायतों से, वो हमारी पंचायतों ने प्लान नहीं दिया है, वहाँ पे जो ग्राम सभा होती है लोग देते हैं प्लान वहाँ पे। आज की डेट में जब यहाँ से बीडीओ साहब वहाँ जाते हैं, हफ्ते में अगर एक बार आएगा वहाँ पे, ये कुछ 500 या 600 काम है, इसको तो 6 महीने लगेंगे इसमें जाने में, ये तो अगले साल फिर हमें ये प्लान के काम शुरू करने पड़ेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कम से कम करालपुरा ब्लॉक को अपना बीडीओ मिलना चाहिए यहाँ पे, और परमानेंट जी है नहीं कोई 3 साल से यहाँ पे। हमारा ब्लॉक तो पहले जब पंचायत 3 टायर सिस्टम हुआ, शुरू हुआ, तो 1-2 साल ये ब्लॉक ठीक तरह चला, एक नंबर पे चल रहा था ये ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे कोई ना बीडीओ है हमारे पास आ जाए, उसको 2 जगह चार्ज दिए, 3री जगह करालपुरा है। अच्छा, जो जेई हमारा परमानेंट जेई होता है, जिसको काम करने होते हैं, तो एस्टिमेशन बनाए, कुछ बनाए, वो तो हमारे पास, तो मतलब आपका ये कुल मिला के बात यह है कि अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं होंगे, अगर काम ग्राउंड पे नहीं होगा, उसमें से एक तो नुकसान ये होता है कि बजट दूसरे साल कम आ जाता है, और तीसरा ये है कि लोगों के काम नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊँ इसमें एक बात बताऊँ आपको, हमने तहसील ऑफिस के लिए पैसे दिए यहाँ पंचायतों से, पंचायतों ने कुछ शायद मेरे का 1-2 लाख रुपए दिए, पिछले 3 साल से अभी तक हमारा ये तहसील ऑफिस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तहसील ऑफिस के हमने यहाँ पे हमने एक मीटिंग हॉल के लिए पंचायतों से पैसे लिए 3 साल से, वो भी 3 साल हो गए, आज तक वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब दूसरी जगह मारी जब होता है तो फंड लेपस हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा हमें पंचायतों से पैसा देना पड़ता है। इसका वजह जो है, मेन वजह जो हमारा बीडीओ है और जेई है इसके पीछे, तभी ये काम हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे। स्टाफ नहीं होगा तो काम नहीं होंगे। तो मेरे साथ इस वक्त एक डेडिकेटेड सरपंच जावेद मीर साहब हैं, इनसे मैं बात करूंगा। जावेद साहब, थोड़ा सा बताइए, आपने पिछली बार भी जब पहले 3 टायर सिस्टम को यहाँ पर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, उस वक्त भी आपने एक बाइट दी थी, आपने बड़ी आलोचना की थी डिपार्टमेंट की, इस वक्त फिर से वही सूरत हाल, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हमारे जो इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। मीडिया जो है ये एक अच्छा काम कर रही है। तो हमारा इशू ये है, जो हमारे पास यहाँ पे अभी बीडीओ है, उनका ऑलरेडी एक जो है उनको सगाम ब्लॉक दिया गया है, उसके साथ साथ वो डीपीओ चार्ज भी संभाल रहे हैं, एस डीपीओ भी काम कर रहे हैं, और उनको हमारा एडिशनल में जो है हमारा ब्लॉक दिया गया है करालपुरा ब्लॉक। यहाँ पे पिछले 1 साल से हमारे पास परमानेंट जो है हमारा अपना बीडीओ नहीं है,
जो भी हमें भेजते हैं एडिशनल चार्ज किसी को दे देते हैं और वो यहाँ पे अच्छे से का फंक्शन नहीं कर पाता है। जब वीडियो उसको ऑलरेडी एक ब्लॉक है वहाँ पे 30 पंचायत से हैं, वो बड़ा ब्लॉक है सुगम ब्लॉक, उसके साथ साथ वो डीपीओ के फराइज भी अंजाम देता है। तो हम गवर्नमेंट से इसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी, हमारे कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी, हमारे जो यहाँ पे एसीडी साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा ये इशू है, हमारा बड़ा ब्लॉक है, यहाँ पे 20 पंचायत हैं और पिछले 2 साल से हमारे पास परमानेंट जेई अभी तक नहीं है। हमारा जो ई यहाँ पे काम करता है उसको भी एडिशनल चार्ज यहाँ से सुगम दिया गया है। अब अगर उसको नियर बाई कोई ब्लॉक मिल जाता, जोगीबल मिल जाता या त्रहगा मिल जाता, वो हाफ डे में तो वो दूसरे ब्लॉक में काम करता, एक बजे तक, एक बजे के बाद यहाँ आ सकता था या एक बजे तक यहाँ आता उसके बाद दूसरे ब्लॉक में चला जाता। जैसे कि बीडीसी साहब ने कहा, हमने जो है पीआरआई ग्रांट्स में से 2020-21, 21-22 और 22-23 में हम फंड्स कंटिन्यूसली देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो फंड्स लैप्स हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, ग्राउंड पर जब स्टाफ नहीं है तो काम नहीं हो पाता है। दूसरी जो यहाँ पे बीडीसी साहब ने इशू यहाँ पे हाईलाइट करा, हमारा मीटिंग हॉल है उसका आप यहाँ पे ये पास में ही आप देख लीजिए, उसको नज़र दे दीजिए, उसमें भी हमने 3 साल से कंटिन्यूसली हम अपने फंड्स को डाइवर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ये ब्लॉक हेडक्वार्टर है यहाँ पे अगर मीटिंग हॉल हो एक अच्छा, हमारा एक यहाँ पे एक ब्रिज है जो कनेक्टिविटी करता है पूरे यहाँ पे 7 पंचायत को, करालपुरा में ये जेके बैंक के पास में, उसमें हमने पीआरएस ग्रांट्स में या 14FC का हमारा जो पैसा था उसमें यूटिलाइज किया था, उसमें अभी तक पिछले 5 साल में सिर्फ 2 एबिट्स बन गए। तो अब जितना भी हम फंड्स डाइवर्ट करते हैं वो सारा लैप्स हो जाता है, नतीजा ये निकलता है कल को हम लोग भी हमसे ये अनसरेबल हैं, हम इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड तो नहीं है, इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं, तो लोग हमसे ये जवाब मांग रहे हैं कि हमारे काम अभी तक क्यों नहीं हो रहे हैं, मसला क्या है। तो हम ये कंसर्न्स जो है हायर अथॉरिटीज के साथ पिछले 1 साल से टेक ओवर कर रहे हैं, बट नतीजा ये निकलता है फिर हमें ऑफिस से निकाल के भगाया जाता है या बोलते हैं आप गवर्नमेंट से बात करिए। हम परसों पीआरआईज विद हमारे बीडीसी जो है एसीडी साहब से यही रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास वीडियो है, उसके पास ऑलरेडी एडिशनल 2 चार्ज हैं, तीसरी चार्ज उसको करालपुरा में दी गई है, तो वो सारा कवर अप कोप अप नहीं कर पाता है, वो हमें एक दिन दे पाता है, उसमें हमारा नहीं हो पा रहा है गुजारा क्योंकि हमारा ब्लॉक बड़ा है, 20 पंचायत से हैं तो हर पंचायत में वो नहीं पहुंच पाता है, लोग सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट से बात करें, एसीडी साहब का ये जवाब था, आप जाएं गवर्नमेंट से बात। हमने उनसे कहा कि गवर्नमेंट हमारी आप हैं, कंसर्न ऑफिसर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हम आप हैं, हम आपके पास जाएंगे। इनफैक्ट हम जब डी साहब के पास गए तो वहाँ पे एसीडी साहब ऑलरेडी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनका मसला देख लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए। जब हम उनके ऑफिस में गए उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप गवर्नमेंट के साथ टेक ओवर करिए, उन्होंने मिसबिहेवी किया हमारे साथ। हम पीआरआई जो है हम क्या कर सके, हमारी पहुंच तो डिस्ट्रिक्ट डीसी डिस्ट्रिक्ट में या डीसी के पास है या तो हमारे जो कंसर्न एसीडी साहब है उन्हीं को बोलेंगे, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो हम पिछले 1 साल से चला रहे हैं सारे पीआरआईज कि हमारे पास वीडियो अपना नहीं है, हमारे पास जेई अपना नहीं है, हमारा ब्लॉक जो है, हमारा जो यहाँ पे शीट जनरेशन में हमारा मेन डेज में हमारा ब्लॉक पहले नंबर पे होता था पूरे यूटी में या पूरे स्टेट में, जब स्टेट भी था स्टेट में भी पहले नंबर पे होता था। नतीजा ये है कि अभी तक एक भी शीट हमारी जनरेट नहीं हुई है। ये फैसला किया है जो हमारे पीआरआईज है, हमारे यहाँ पे 20 सरपंच है पीआरआईज अलोंग विद बीडीसी, हमने ये डिसाइड किया, ये जो हमें मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हो ये सारे सरपंच थे, वार्ड मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम पेन डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, ये हमारी डिवाइसेस हैं और ये हमारी सील्स हैं, ये हमारी सील्स हैं, हम ये हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी ये इश्यूज को एड्रेस नहीं करती है, हमें परमानेंट जेईज वगैरह नहीं मिलता है, हमारे ब्लॉक को हमारा बीडीओ ऑफिस में यहाँ पे वीडियो नहीं मिलता है, हमारे ये इश्यूज को ये जो है एड्रेस नहीं किया जाता है, तो हम सीधा रिजाइन करेंगे। 20 की हम सारे रिजाइन करने के लिए तैयार हैं, जितने भी सरपंच से बिल्कुल जितने भी हैं ये सब अब तंग आ चुके हैं क्योंकि लोग हमसे जवाब मांग रहे हैं। अगर हमें उनने वोट दिया है, एक आश थी कि यहाँ पे 3 टायर से अलजी साहब बोल रहे हैं, हर स्टेटमेंट पे बोलते हैं जहां पे भी जाते हैं कि हम जो है यहाँ पे 3 टायर सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। अगर 3 टायर मजबूत है तो कोई ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्यूरोक्रेसी चल रही है, यहाँ पे सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है। जो भी ऑफिसर हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे एसीडी साहब हैं वो डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं ऑफिस में, वो बोलते हैं नहीं जी आप बदतमीज हो, आपको मैनर्स नहीं है। अगर पब्लिक की बात करना, लोगों के मसलों को हाईलाइट करना गुंडागर्जी है, बदतमीजी है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने चुना ही इसीलिए है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ। मेरे सरपंच को, मेरे पंच को इसीलिए चुना है, हमारा बीडीसी है उसको इसीलिए चुना है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एक इलेक्टेड है, सिलेक्टेड तो है नहीं। तो ये तो एसीडी क्या हो, अगर डिप्टी कमिश्नर हो या चीफ सेक्रेटरी हो, एलजी साहब से भी हमारा यही मुतालबा रहेगा कि हम अगर हमारे मैनरलेस बोलेंगे हमारे ऑफिसर, तो हम मैनरलेस बनने के लिए तैयार हैं। है तो नहीं हम मैनरलेस, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर हम हक मांगने पे हमें हमारे ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि ये मैनरलेस हैं, ये बदतमीज हैं जी सरपंच, तो फिर हम कहां जाएं, उससे बेटर है हम रिजाइन करते हैं, लोग भी सफर नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट फिर एसीडी साहब जो है वो आके वही ब्लॉक चलाएं, वही पंचायत में जाएं, वही सरपंच का काम भी करें, बीडीसी का काम भी करें, डीडीसी का भी काम करें, सारे काम वही करें। चलिए जी, मैं आपको दिखा दूं, ये जितने भी पीआरआईज हैं उनकी जो सील्स हैं, ऑथेंटिक सील्स हैं, वो यहां पर जमा की गई हैं और इनका ये कहना है कि अगर हमारे साथ यहां पर ब्लॉक में
इंसाफ नहीं किया गया, इंसाफ इस लिहाज से कि यहां पर अगर स्टाफ को तैनात किया नहीं किया गया, अगर अफसरों को तैनात, बीडीओ को तैनात नहीं किया गया तो हम रिजाइन देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग हमें जवाब मांग रहे हैं। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इरफान साहब अब इन सबको दिखाइए, सारे करलपुरा के PRIs हैं जो इस वक्त यहां पर बीडीओ ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि यहां पर बीडीओ ऑफिस में जल्द अज जल्द स्टाफ को तैनात किया जाए, जल्द अज जल्द बीडीओ को तैनात किया जाए ताकि यहां पर जितने भी काम रुके पड़े हैं वो स्मूथली चल पाए।